अरे नहीं, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम जो है वो आलू गोश्त लेकर आए हैं, और ये सहरी का सालन है। तो सहरी में हम लोग ये सोचते हैं कि हमने कौन सा सालन बनाए, तो ये पराठे के साथ आलू गोश्त बहुत मज़े का लगता है। जिसके लिए मैंने बकरे का गोश्त लिया है आधा किलो, यानी कि मटन मैंने लिया है। आप बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। तो 1/3 कप जो है हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पूरा एक कप नहीं जाएगा, एक कप से थोड़ा सा कम जाएगा। 1 टीस्पून मैंने जो है वो गर्म मसाला पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी ली है। 1 खाने का चम्मच जीरा है, 1 खाने का चम्मच ही सूखा धनिया है, और 1 टीस्पून जो इसमें दरमियान में मिर्चें पड़ी हुई हैं, और 1 खाने का चम्मच हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 3 मैंने प्याज को बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। 2 टमाटर हैं, हरी मिर्चें 4 से 5 ले लें, धनिया ले लें, ये आखिर में गार्निशिंग के लिए जाएंगे, लेकिन टमाटर हम पकाने में शामिल करेंगे। दही हमने 1 कप तकरीबन ले लिया है, और आप देख रहे होंगे कि गोश्त जो है वो थोड़ा सा वाइट वाइट लग रहा है, क्योंकि ये फ्रीजर में बहुत ज़्यादा जमा हुआ था। इसको मैंने एक पानी बॉयल करके इसको जो है वो जल्दी जल्दी से खोल के पकाने की कोशिश करने के लिए मैंने इसको उबाल लिया है एक पानी। तो फिर शुरू करते हैं। ऑयल शामिल किया आपने, और इसमें आपने प्याज शामिल करके इसको फ्राई करना है, ठीक है? फ्राई के प्याज जो है वो फ्राई हो गया, और हमें इतना ही प्याज फ्राई करना है, क्योंकि हमने अभी इसमें गोश्त भी भूनना है, तो ये और ज़्यादा काला ना हो जाए। लहसुन अदरक इसमें शामिल किया, और ये जो गोश्त था इसको शामिल किया। और इसी टाइम पर हमने, आपको पता है जब मैं गोश्त भूनती हूँ तो टमाटर और दही साथ ही शामिल करके भूनती हूँ, ये देखिए, अच्छा अब जो है इसको मैंने अच्छी तरह भूनना है। अब मैं भूनने के बाद जो है ना वो आपको मिलती हूँ, ये देखिए भुन गया है उसमें रखते हैं। अब हमने सारी चीज़ें जो हैं वो नमक मिर्चें सूखा धनिया जीरा हल्दी सब शामिल कर लिए, और इसको हमने 1-2 मिनट और थोड़ा सा भुनेंगे, सिवाय गरम मसाला हमने शामिल नहीं किया, बाकी तमाम चीज़ें इसमें मैंने शामिल करके इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट हमने चम्मच चलाना है ताकि मिक्सिंग हो जाए। अब हमने पानी शामिल कर दिया है, और इसको गलने के लिए रख दें। जैसे ही गलेगा फिर हमने इसमें आलू भी शामिल करने हैं। आलू मैंने लिए हैं 1/2 किलो, तो ये देखिए इसको ढककर पकने के लिए रख दें। देखिए गोश्त जो है वो गल गया है और भुन गया है, तो मैंने यहाँ पर इसको पानी भी ड्राई कर लिया, ठीक है? अब इस टाइम पर हमने 1/2 किलो आलू जो है वो शामिल करने हैं। आलू ज़रा बड़ा बड़ा काट लीजिएगा, तो इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है, फिर मैं पानी शामिल करूँगी। थोड़ा सा पानी और जाएगा, बिस्मिल्लाह। तकरीबन 1.5 गिलास पानी मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको जो है हमने ये 25 मिनट तो लगेंगे आलू गलने में, क्योंकि मिट्टी की हांडी है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। प्रेशर कुकर में तो आपको तकरीबन 3 मिनट में आलू जो है ना एक सीटी में हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह हो जाए। ये देखिए आलू गोश्त जो है वो बनकर तैयार हो गया है। आलू भी गल गया है और गोश्त भी गला हुआ है। अब क्या करते हैं, इसमें धनिया और हरी मिर्च शामिल कर देते हैं, और हरी मिर्च डंडी समेत शामिल करते हैं। इसकी डंडी ज़्यादा ही अच्छा, ये शामिल किया, और इसके बाद हमने जो गर्म मसाला आपको शुरू में बताया था 1 टीस्पून वो शामिल करना है, और ये तैयार है। अब क्या करते हैं, इसको चूल्हा बंद कर देते हैं और डिश में निकाल के बताती हूँ। हाँ मिट्टी की हांडी ना थोड़ा टच हो गई होगी, किधर थोड़ा सारा किनारा डैमेज हो गया। चले ये देखिए तैयार हो गया है, इसको पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है ये सालन। और हूँ मैं पंजाबी स्ताजा, मैं गोश्त लिया 1/2 किलो, तो तुम चिकन या जो है ना गाय का गोश्त भी ले सकते हो। तो 1/2 किलो लिया, तो 1/3 कप जो है ना ऑयल दे पा के उस प्याज में फ्राई कर लिया, फिर उस तो बाद मैं लहसुन अदरक पाया, तो उस बाद टमाटर तो दही पा के गोश्त पा के भुन लिया। अच्छी तरह जो भुन करते ना गोश्त, तो उस बाद सारे मसाले पाते से, नमक मिर्च कश्मीरी मिर्च हल्दी सारा कुछ पाता सी, सिवाय गरम मसाले दे, हरा धनिया हरिया मिर्चा दे। और जो पक गया तो फिर आखिरी चो ना मैं भुन कता,
ਤੇ ਫਿਰ ਆਲੂ ਪਾ ਲਏ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਖਰ 'ਚ ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰਾਂਠੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹਿਰੀ, ਅਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਖਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।